दिन रे सीज कले राति रे लीक कले पछ गेट दे खोद पुलिस कला चोरा चालन दिन रे खाकी पिंधि जबत करथिले और राति रे खाकी ओल्हाई नै जाउथिले धरि पकाइले ग्रामवासी नेहुरा हेले पुलिस बाबू थाना भितरे ट्रक ट्रक बेआईन बाण शनिवार सकाळे एसबु बाण बेआईन भावे महजूद थिबा अभियोगरे जबत करथिला खोर्धा जिला बेगुनिया थाना पुलिस आउ संध्या समय रे सीरीज दुर्घटना घटाई जबत होइथिबा एक कार रु मिलिथिला पेटी पेटी विदेशी मद आउ एभळी सफलता कु नै गणमाध्यम रे प्रतिक्रिया रखिबार किछि घंटा परर एहा हेउछि दृश्य विलंबित राति रे जबत बाण एवं मद कु एक कार रे थाना भितर खोद पुलिस चोराचालन करुवा बेले स्थानीय लोकों हाथ में धरा पड़ जाता गोटे भड़ा गाड़ी रे बेगुनिया थानार होमगार्ड तथा ड्राइवर प्रकाश मुदुली जबत बाण एवं मद को पछ गेट्रे नहीं जाता बेले बेगुनिया सरपंच सहित अन्न्य लोकों हाथ में धरा पड़ा पर छाड़ी देवा काकुति विनती होपरिक चलाण पछे अगर निर्देश थी से स्वीकार कर ड्राइवर जी मान बाड़ी सी भी मद पीछे मद भी गाड़ी में ओवरलोड अच्छी तो आम भी जबत कलु मान अटके पुलिस स्टेशन भी देलु तो पुलिस स्टेशन देलापर आम जो पिलाटी एक्सीडेंट होता है से पचर बस था मृत हो जाए छोट छुआ मात्र 12-13 वर्षर छुआ से मृत हो जाए ये सब आम पुणी थाना दे सारापर भी थाना वाला राति 12:30 भितर से मद गाड़ी जो एक्सीडेंट करता जी ता देहर मद बाहर कर सीता से पर्सनाल कार यूज कर पुलिस पुलिस वाला निजे से मद को बाहर को चलाण कर पुलिस कि लोक मैंने जनसाधारण पुलिस संपूर्ण भरोसा थाए पुलिस दिन बेले धरुची राति पुलिस क्वार्टर आई आई सी पुणी प्रेजेन्ट थाना रे सबू स्टाफ प्रेजेन्ट ता बाद भी माल जाऊँ चोरा चलाण हो माल जो जबत होल वाला मैंने आगुरी भी केतर जाथर भी ये धरा है जनसाधारण धरले बोली धरा जाऊँ कि आगुरु भी बहुत थर जा निश्चित भाव में तेणु जनसाधारण भरोसा क्या करेंगे चोरा चलाण होता बाण एवं मद सहित होमगार्ड प्रकाश मुदुली लोकों हाथ में धरा पड़ा खबर पाई घटनास्थल में पहुंची जाते थानार कनेस्टेबल सिद्धेश्वर महापात्र क्या कुछ नक समस्त छाड़देव बेगुनिया सरपंच निकटने हाथ जोड़ी नेहुरा होते शेषे खोर्धा एसडीपीओ दिलीप दास घटनास्थल में पहुंची समस्त बुझासुझा कर गाड़ी सहित पुलिस कर्मचारी थाना को आनी आज घटनार तदंत कर चोरा चलाण होता गाड़ी ड्राइवर सहित होमगार्ड प्रकाश मुदुली को गिरफ्त कर थानार भारप्राप्त अधिकारी सहित अन्य पुलिस संप्रुक्ति रही बेले केवल होमगार्ड को गिरफ्तार साधारण असंतोष देखाई सेपटे घटन अन्य जार संप्रुक्ति जमापड़ से विरोध में कार्यानुष्ठान ग्रहण एसडीपीओ ये बाबू जाणी कम थाना भितर आईएसी क्वार्टर देखिए क्वार्टर को गेट 10 फुट डिफरेन्स से सब कारबार चली आगु विगत दिन चली जोटा रात धरिक एस टी ऊपर भरोसा नाला आम एस टी ओर भरोसा विश्वास रखिक छाड़ू धरिकी किसी कम नहीं तदंत हवा दरकार एफिसर मैंने संश्लिष्ट अच्छे से निजे भी आडमिट कर होमगार्ड
ଯେଉଁ କ୍ୱାର୍ଟରରୁ ମଦ ଆସିଲା ସେଠି କନେଷ୍ଟବଳ ରହୁଥିଲେ କୌଣସି ଅଫିସର ବି ରହୁଥିଲେ ତା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଦରକାର। ଏ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମାରିକି କ'ଣ ଲାଭ ଅଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଆଇଏସିଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଆଇଏସି ନ ଜାଣି ଥାନା ଭିତରୁ ପରିସର ଭିତରୁ ଗାଡ଼ି ବାହାରିଯିବ କେମିତି, ଗାଡ଼ି ରାତିରେ ଧରି ବାହାରିବ କେମିତି, ଅସମ୍ଭବ କଥା। ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଆଇଏସି ହାତରେ କାମ ଚାଲିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଦାବି କରିବୁ, ଆମର ସେ ଉପରସ୍ଥ ଅଫିସରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ଅଛି, ପୁଙ୍ଖାନୁ ତଦନ୍ତ କରିକି ଦୋଷୀକି ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହେବା ଦରକାର। ସେ ରିଲେଟେଡ଼୍ରେ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ହେଲା ଗୋଟେ କେସ୍ଟେ ଆମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହୋଇଛି, 366 ନମ୍ବର ହେଲା କି କେସ୍ ଅଛି ବେଗୁନିଆ ପିଏସ୍ କେସ୍ ନମ୍ବର 366 ଅଛି, ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ସନ 379 411 34 IPC 52 ଏ ଓଡ଼ିଶା ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଆକ୍ଟ, ଆଉ 9B ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଜିଭ୍ ଆକ୍ଟର ହେଲା କି କେସ୍ଟା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହୋଇଛି। ଆଉ ଇମିଡିଏଟ୍ଲି ବି ଆମେ ହେଲା କି ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ସେତେ ଜଣେ ଆମର ହୋମଗାର୍ଡ ଡ୍ରାଇଭର ଅଛନ୍ତି, ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ବାକି ଆଉ ଜଣେ ସିଭିଲିଆନ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ପଠାଇ ସାରିଲାଣି ସୁକ୍ରତି ନାହିଁ। ବାକି ହେଲେ ଯାହା ବି କିଛି ଏଲିଗେସନ୍ ଅଛି ସେଟା ହେଲା କି ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ ରହିବ, ଲାଗି ତାକୁ ନିରପେକ୍ଷ ଲାଗି ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସର ଛବି ମଳିନ ହୋଇଛି। ଆଉ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି, ପୁରା ଘଟଣା କେବଳ ହୋମଗାର୍ଡ ଦାୟୀ ନା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କେବଳ ହୋମଗାର୍ଡ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହୋଇଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ବେଗୁନିଆରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସମରେନ୍ଦ୍ର ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ସହ ବଳରାମ ଲେଙ୍କା।